हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, 2 मिनट का टाइम लूँगा मैं आपका आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चल सके आप इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं SSC JEE इलेक्ट्रिकल स्पेशल क्विज सीरीज पार्ट 1। दोस्तों, ये क्या है, स्पेशल क्विज सीरीज है किसके लिए? SSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, SSC JEE इलेक्ट्रिकल 2020-2021 के लिए दोस्तों। क्योंकि SSC JEE की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, आपकी सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए मैं इसके लिए आपके लिए एक क्विज सीरीज लेकर आया हूँ, वो जिसमें 3000 MCQ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए दोस्तों। और इस 3000 MCQ का ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले प्रॉमिस भी किया था एक पोस्ट के थ्रू, कि मैं जल्द से जल्द SSC सीरीज लेके आने वाला हूँ। जो क्विज सीरीज होगी उसमें 3000 से ज़्यादा MCQ होंगे, तो आज से दोस्तों वो आ गया है। और तो ये दोस्तों डेली 2 पार्ट आएंगे, एक अभी पार्ट आएगा मॉर्निंग 6 बजे, एक आपका और इवनिंग में 6 बजे एक पार्ट आएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ SSC JEE के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी UPSL, UPRVNL, DMRC एंड LMRC JEE के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक्सिमम ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मेरी इसमें कोशिश ये रहेगी कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा आपको। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। तो ये है कुछ सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपने अभी भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आपका वेलकम है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, क्योंकि ये पूरी सीरीज दोस्तों एक एक पार्ट में तो कवर होने वाली है नहीं, तो अगले पार्ट भी आएंगे इसमें काफ़ी सारे, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और दोस्तों, यदि अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, तो ये पूरा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो कंप्लीट हो तो आप डिसाइड करिए आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस इफ 10 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम ईच इज कनेक्टेड इन सीरीज। यदि 10 रजिस्टर 10 ओम के उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, वैसे समझाने लायक क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आपको बता दूं मैं एकदम सिंपल वे में। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल ये होता है आपका R1 + R2 + R3। ठीक है, इस तरीके से होता है सीरीज में। ठीक, और पैरेलल के लिए क्या होता है दोस्तों, 1 upon R equivalent = 1 upon R1 1 upon R2 + 1 upon R3, ये किसके लिए होता है दोस्तों, पैरेलल के लिए। तो यहाँ पे क्या सीरीज में कनेक्टेड है 10 ओम के रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 इस तरीके से, तो टोटल 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ओम। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, तो वायर की रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पर, मटेरियल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, रेजिस्टिविटी मैं आपको बता दूं किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर। और रेजिस्टेंस दोस्तों, एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको मैं बता दूं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ठीक है, तीन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वॉट, इनमें से क्या सेम नहीं है वॉट के। तो दोस्तों, जो वॉट है उसके सेम क्या नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जूल पर सेकेंड, ये दिया गया, क्या दिया गया, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है दोस्तों, वर्क डन अपॉन टाइम क्या है, एक प्रकार से पावर है, एम्पियर्स पर वोल्ट। एम्पियर्स पर वोल्ट दोस्तों, इसको बाद में देखें, एम्पियर वोल्ट। P = आपने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, BI, मतलब वोल्ट एम्पियर है, एम्पियर वोल्ट। तो ये भी क्या सही है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो दोस्तों, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो P = आप सभी जानते हैं I² * R भी होता है, I² * R।
आर भी होता है, तो ये भी सही है दोस्तों। और तो अब ऑप्शन बचा आपका सिर्फ एक, एम्पियर्स पर वोल्ट। तो एम्पियर्स पर वोल्ट तो किसी भी फॉर्मूले के हिसाब से नहीं होता, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डीसी सर्किट, हाई करेंट, स्मॉल रजिस्टर या सेमी कंडक्टर। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें ये नहीं बोला जा रहा ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, क्या पूछा जा रहा है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये है आपका सेमी कंडक्टर्स के लिए। दोस्तों जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ये इसका ध्यान देना है, ठीक, यही आप गलती करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज़ इट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन बोथ डबल। तो इसका जो एक वायर है उसकी लेंथ एंड उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डबल हो जाता है, दोनों डबल हो जाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। दोस्तों भी जस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रो एल अपॉन ए। तो दोस्तों यदि हम इसका लेंथ इसकी डबल कर दें और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो दोस्तों कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो यदि आर रेजिस्टेंस पहले था तो अभी भी आर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो जो फ्यूज वायर की रेटिंग है वो किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है, वो की जाती है ओम्स में, महो में, या फिर एम्पियर्स में, या फिर वॉट में। तो दोस्तों फ्यूज़ हम यूज किस लिए करते हैं, वही इसलिए करते हैं ताकि कोई फॉल्ट हो और एक्सेसिव करंट का फ्लो होने से बच सके सर्किट में। दोस्तों करंट का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, जो हम एक्सेसिव करंट को रोकने के लिए ही किसका यूज करते हैं, फ्यूज का। तो यहाँ पे जो फ्यूज की रेटिंग हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, एम्पियर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी, तो जो मैक्सिमम ट्रांसफर पावर के, मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए सोर्स का, इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, लेस देन दैट ऑफ द लोड, मोर देन दैट ऑफ द लोड, या जीरो। तो दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, पावर के मैक्सिमम ट्रांसफर के लिए क्या क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का, इक्वल टू दी लोड रेजिस्टेंस, कितना होता है, इक्वल टू दी लोड रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवनिन्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क कंटेनिंग पैसिव एलिमेंट ओनली, एक्टिव एलिमेंट ओनली, लीनियर एलिमेंट ओनली, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो थेवनिन्स थ्योरम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम इन तीनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कंप्यूटेशन व्हेन द लोड अक्रॉस अ सर्किट इज वेरिंग। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है हम कौन सी थ्योरम हेल्प करती है हमें कंप्यूटेशन को सिंप्लीफाइंग करने के लिए, जब जो लोड है किसी सर्किट के अक्रॉस में जो लोड है वो क्या है, वेरी करता है। सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवनिन्स थ्योरम, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसमें क्या सही आंसर है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक प्लेस द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर ऑफ द सर्किट इज, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या है जगह लेता है, मतलब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है तब एफिशिएंसी सर्किट की क्या होती है, 100% होती है, 57%, सॉरी 75%, या फिर 50%, या फिर 25%। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है तब सर्किट की एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% होती है, कितनी होती है, 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपर पोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज देयर आर नोड्स सोर्स, सो नोड्स एंड सोर्स, नो नोड्स सोर्स एंड मैश। तो सुपर पोजिशन थ्योरम के लिए कितने सर्किट की ज़रूरत होती है, जितने की उसमें सोर्स होते हैं, कितने सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जितने सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, दोस्तों एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा,
आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होगा जिसमें आइडियल वो जिसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, जीरो हो, मतलब जितना वोल्टेज वो बनाए उतना ही वो ट्रांसफर करे, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, सोर्स जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ये सही है दोस्तों। और यही यदि इसी में ही क्वेश्चन पूछा जाता एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या कितना होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, आइडियल वोल्ट मीटर होगा दोस्तों यदि वोल्ट मीटर क्या करता है, रीड करता है वोल्टेज को, तो वो कब रीड करेगा, जब उसमें वोल्टेज ड्रॉप जितना ज़्यादा हाई होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा यदि उसका वोल्टेज रेजिस्टेंस तो कितना हो, तो अच्छी तरह से रीड कर पाएगा, ठीक है। तो ये सही आंसर है, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जीरो और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इनफाइनाइट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच, अ पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच, तो एक इनमें से एक पैसिव एलिमेंट कौन सा है जो रिसीव एनर्जी को रिसीव करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है, वो सप्लाई एंड रिसीव एनर्जी या फिर वन ऑफ द अबव। तो एक सर्किट में जो एनर्जी को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है किसी से दो पॉइंट के बीच में तो उनमें करंट फ्लो होती है, ठीक। तो इसका उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लक्स ऑफ 5 वेबर्स लिंक विथ अ क्वाइल ऑफ एन टर्न्स, द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द क्वाइल इज गिवन बाई, दोस्तों ये क्या है, फेरेड, सॉरी नेक्स्ट सॉरी इसका ऑप्शन क्या है, Nd∅dt माइनस Nd∅dt, NbLu या फिर नन। तो दोस्तों इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, माइनस Nd∅dt, माइनस Nd∅dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ अ क्वाइल, अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ क्वाइल, एक क्वाइल एक मैग्नेटिक फील्ड और एक क्वाइल में क्या है, रिलेटिव मोशन है, अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड, इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे, डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे या फिर म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, रिलेटिव मोशन के से ही वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोलरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाय, जो पोलरिटी होती है इंड्यूस्ड वोल्टेज की वो किससे डिपेंड करते हैं, एम्पेयर्स लॉ से, लेंज लॉ से, किरचॉफ लॉ से या फिर राइट हैंड रूल से, तो डिपेंड कर ये किससे डिटरमाइन हो जाती है, होती है लेंज लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू गिव कम्बाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम, व्हेन इन सीरीज, जब सीरीज में होते हैं तो कितना देते हैं, ये हमें देते हैं 4.5 ओम, तो R1 + R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5, एंड दी व्हेन इन पैरेलल, जब पैरेलल में होते हैं तो कितना देते हैं, ये 1 ओम, तो रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो दोस्तों जब सीरीज में होते हैं तो कितना देते हैं, 4.5 ओम, कितना देते हैं, 4.5 ओम, तो ऑप्शन वन तो है नहीं क्योंकि 3 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका 9, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 12 हो जाएगा, और ये दोस्तों हो सकता है क्योंकि ये 4.5 ओम है और ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन सी, यही आंसर होगा, राइट आंसर क्या है, 1.5 एंड 3 ओम्स, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1.5 ओम एंड 3 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अ मटेरियल हैविंग अ चार्ज ऑफ 12 कूलम ओवर 6 सेकेंड, वॉट इज करेंट फ्लोइंग थ्रू दी मटेरियल, दोस्तों इसे बताना है, एक मटेरियल है उसमें कितना कितना चार्ज है, 12 कूलम का चार्ज है और ये कितने कितने सेकेंड के लिए होता है, 60 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, तो करंट कितनी फ्लो होगी इस मटेरियल से। दोस्तों एकदम सिंपल फॉर्मूला है, देखिए आप सभी जानते होंगे, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T,
चार्ज पर सेकेंड तो 12/6 कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर्स। सही आंसर क्या जाएगा, 2 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर इज 10 वोल्ट। तो किसी रजिस्टर के जो दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, और करंट किससे कितनी फ्लो हो रही है इससे, 5 एम्पियर। वेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है दोस्तों, एकदम सिंपल है। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आई, इसमें वैल्यू रख दीजिए 10/5 मतलब 2 एम्पियर। सही आंसर क्या जाएगा, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर रजिस्टर्स ईच ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रजिस्टेंस इज। दोस्तों चार रजिस्टर हैं 20 ओम के, ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है चार 20 20 ओम के, तो कितना मिल जाएगा, 5 ओम, कितना मिल जाएगा, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फेरेट इज इक्वल टू तो दोस्तों 1 फेरेट इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 1 फेरेट इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर हैं जो कि 12 और 12 ओम के हैं। ठीक है, ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 2 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, दो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किस में कनेक्टेड है, एक 2 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड, टोटल हमें बताना है, तो ये फिगर आपका बन जाएगा दोस्तों। आप इसको सॉल्व करिए सबसे पहले, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका, टोटल आएगा इसका 3 ओम, और ये कितना है आपका, 2 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक, आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, बताना है, ओम्स होती है, वोल्ट होती है, एम्पेयर होती है, टेस्ला होती है, एकदम सिंपल है बताने की, मैं नहीं समझता जरूरत है, क्या होती है, ओम्स होती है। नेक्स्ट, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज्ड इन। तो जो हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस है, ये दोस्तों एक प्रकार से क्या है, ये लॉस है, लेकिन इनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो कहाँ पर कर सकते हैं, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास, या फिर रेजिस्टेंस हीटिंग। तो दोस्तों इसका हम यूज करते हैं इन लॉसेस का, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील में, इसमें यूज करते हैं इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील में। तो दोस्तों ये थे कुछ MCQ, ये पार्ट 1 है, और इसके आगे भी हम बहुत सारे पार्ट लेके आएंगे, और इसमें हमें टोटल कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 3000 क्वेश्चन कवर करने हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 3000। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, और पसंद आया हो तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर जरूर करिए, और यदि चैनल अभी भी आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों 3000 क्वेश्चन होंगे अभी, लगभग लगभग हमारे 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो गए होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा इसके 10 गुना क्वेश्चन आने बाकी हैं, तो आप तैयार रहिए उसके लिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।